विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना में अपनी तर्ज का मुनफरीद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मीना हॉस्पिटल, जो कि राजेंद्र नगर में वाक़ है, जहां पर 19 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। यहां पर ज़रूरतमंद आवाम की बड़ी तादाद मुख्तलिफ तिब्बी मुआयनों से इस्तेफादा हासिल कर रही है। 5वें रोज भी आवाम की बड़ी तादाद ने जहाँ कैंप से इस्तेफादा हासिल किया, वहीं पर मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन और साबिक रुकन कानून साज कौंसिल फारूक हुसैन ने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना करते हुए अपनी बेपनाह मसरत व इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि तंदरुस्ती हजार नेमत है, तंदरुस्त जिस्म खुशगवार और बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी होता है। तंदरुस्त और खुवी नौजवान कौम का मुल्क का कीमती असासा साबित होते हैं। असर हाजिर में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नित नए अकसाम की बीमारियां फैल रही है, जो कि मुल्क की तरक्की में रुकावट का सबब बनती है। ऐसे हालात में बीमारियों की रोकथाम के लिए न सिर्फ एहतियाती तदाबीर बल्कि बेहतरीन तरीके से फिट रहना भी जरूरी है, बल्कि खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार अदबान नागजीर है। मौजूदा दौर में पेशा तिब तिजारत बन चुका है, इलाज व मुआलजे की सहूलतें गरीबों की दसरस से बाहर होते चले जा रहे हैं। समाज में कई एक पिछड़े तबकात है जो कि बीमार होने पर अपना इलाज करवाने से खासिर रहते हैं। इन तमाम अवामिल व उमूर पर गौर खौस करने के बाद डॉक्टर सहीबा शुकूर और डॉक्टर हिदायतुल्ला खान ने गरीबों की खिदमत के नेक मकसद से मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजेंद्र नगर पिलर नंबर 254 पर 6 रोज़ा मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का अहतमाम अमल मिलाया, जिसका 19 फरवरी को आगाज हुआ, जिसमें अब तक 9,500 से ज़ायद मरीजों की न सिर्फ मुफ्त तशखीश की गई, बल्कि इन्हें दवाएं, ऐनके, खून के मुआयने, स्कैनिंग, अल्ट्रासाउंड भी मुफ्त किए गए। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर हिदायतुल्ला खान गोल्ड मेडलिस्ट ने बताया कि मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप के दौरान माहिर अमराज निस्वान डॉक्टर सहीबा शुकूर डॉक्टर विद्या ने रोज़ाना 400 हामिला खवातीन की तशखीश की है और 100 से ज़ायद मरीजों का अल्ट्रासाउंड भी किया है। डॉक्टर हिदायतुल्ला खान ने रोज़ाना 800 से ज़ायद मरीजों के आँखों का मुआयना किया, अद्वियात और ऐनक भी तकसीम की। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। मैं सबको सलाम अर्ज़ करते हुए, बहुत खुशी की बात है कि मोहम्मद फजल मोहन मोहम्मद खान साहब के फर्जंद डॉक्टर हिदायतुल्ला साहब जो अमान हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ, उससे पहले यहाँ पर इबादत कुरान खवाने के बाद उसके बाद जो फ्री कैंप 24 से 17 से लेकर 24 तक जो फ्री कैंप लगाया गया है, करीब करीब रोज़ 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम है और फ्री ट्रीटमेंट है, फ्री टेस्ट है और फ्री दवाएं भी है। यानी अल्लाह ताला से हम लोग सारे लोग, यानी अल्लाह ताला ये फरमाता है कि गरीबों की खिदमत खुद मेरी इबादत के बराबर है। आज मैं फजल मोहम्मद खान साहब के फर्जंद हिदायतुल्ला खान साहब को, अल्लाह फजल मोहम्मद खान साहब को और हिदायतुल्ला साहब को सेहत याबी के लिए, बरकत के लिए और उम्र दराजी के लिए सारे लोगों से दुआ करता हूँ, दुआ करने के लिए गुजारिश करता हूँ। खासकर सैयद मुजम्मिल साहब जो सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर रहते हैं और यहाँ के MLA साहब से हो या MP साहब से हो, चाहे वो पार्टियों से बिलातर होते हुए, कौमों से बिलातर होते हुए, किसी मजहब का नाम नहीं देना चाहिए, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई डॉक्टर अगर हैं तो किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं रखता,
डॉक्टर हर लोगों की खिदमत करना चाहता है, डॉक्टर हर पेशेंट को बचाने की कोशिश करता है, जिंदा रखने की कोशिश करता है। डॉक्टर अल्लाह ताला की तरफ से जो हुनर, जो उन लोगों को खिदमत करने का मौका दिया गया है, अमान हॉस्पिटल आज मुझे एक मंजिल का मीना हॉस्पिटल जो इनॉग्रेशन के लिए मुझे बुलाया गया है, मैं खुद चाहता हूँ कि खुद अपने हरीश राव साहब के हाथों आज इफ्तिता होने वाला था, एक सडनली एक्सीडेंट की वजह से कंटोनमेंट के एमएलए का इंतकाल हुआ, इसलिए मैं भी उनके साथ हरीश राव साहब के साथ आने वाला था, लेकिन मजबूरी है कि आज जुमा होने के नाते मैं उसमें शिरकत नहीं कर सका। डॉक्टर साहब की हिदायत पर, उनके वालिद साहब का आशीर्वाद लेते हुए आज मैं यहाँ मीना हॉस्पिटल में आया हूँ। और मैं चाहता हूँ, डॉक्टर साहब को 25-30 साल से जानता हूँ, सिद्धिपीठ को कई बार प्रोग्रामों में आए हैं, और डॉक्टर साहब के पास ये आदत है कि फ़ोन करके गरीब है तो कम से कम पैसों में वो खिदमत करते आ रहे हैं, चाहे वो नूर खां बाजार में हो, अजीजिया हॉस्पिटल के अजीजिया मस्जिद के पीछे जो हॉस्पिटल है, चाहे हुमायूं नगर, तो वहाँ पर उनकी वाइफ शोएबा शुकूर साहबा जो खिदमत कर रहे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बाहिसियत है, कहने के गरीबों की खिदमत कर रहे हैं। अब यह देखने के बाद मालूम हो रहा है कि 99% गरीब लोग, तो अगर कोई चावल बांटते हैं, कोई अगर हेल्थ कैंप लगाते हैं, तो वहाँ पर गरीबी आता है। अमीर को अगर बुला के लेकर के हम चावल देंगे या खिदमत करेंगे, कुछ करेंगे, वो तो मेरे पास क्या काम है भाई, मेरे पास क्यों आए, गरीबों की मदद करो बोलते हैं। तो इसलिए इस गरीब इलाके में जो खिदमत हिदायतुल्लाह साहब की तरफ से की जा रही है, वो अल्लाह का हुक्म था कि उन्होंने यहाँ हॉस्पिटल बनाया, मल्टीनेशनल हॉस्पिटल बनाकर यहाँ पर जो 1600 गज पर जो उन्होंने खिदमत दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई हॉस्पिटल्स वो खोलें, और आने वाले दिनों में कई सौ डॉक्टर्स को, कई सौ नर्सेस को, कई सौ बेरोजगारों को यानी कि नौकरी पर लगाएं। और आने वाले दिनों में मैं चाहता हूं कि जहां पर ये रोड है, मैं भी एमएलए साहब से कहूंगा, मुजम्मिल साहब से कहूंगा कि क्योंकि गरीबों का जो खिदमत कर रहे हैं डॉक्टर साहब, यहां पर जब भी म्यूनसिपालिटी के जीएसएमसी के फैसिलिटीज होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, ड्रेनेज होना चाहिए, यानी रोड आना चाहिए ज़रूर ब ज़रूर। मैं भी हमारे प्रकाश गौर साहब से, एमएलए साहब से मिलूंगा, और हमारे एमपी साहब से भी मिलूंगा, इस एरिया की तरक्की के लिए हम बराबर कोशिश करेंगे। और आगे जो जैन कम्युनिटी वाले भी रहते हैं, उन लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो चाहे तो उन भी रोड दला ले सकते हैं, उन लोगों के प्रेसिडेंट से भी मिलूंगा। आगे भी एक अपार्टमेंट है, उन लोग भी बहुत पैसे वाले हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इलाका तरक्की करे। जब ये बिल्डिंग के फाउंडेशन चल रहा था, डॉक्टर साहब मुझसे जिक्र किए थे क्या फाउंडेशन चल रहा है, तो मैं दो चार बार इस बाजू का अपार्टमेंट में आया था, देखा था, तो लिहाजा हॉस्पिटल इतनी बड़ी यानी कि इतने जो 225 बेड्स भी है, और आईसीयू के 70 बेड्स भी है, और वेंटिलेटर 10-7 वेंटिलेटर, मजाक की बात नहीं है, सरकारी हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर नहीं था, आज लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ डॉक्टर साहब ने लगाया है, तो ये गरीबों की खिदमत है। हम कोरोना में देखे हैं वेंटिलेटर बेड्स नहीं मिल रहे थे, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए रोज के ले रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब के पास अल्लाह के फजल से उनके वाली साहब का आशीर्वाद है, और अल्लाह का उन पर मेहरबानी है कि वो गरीबों की खिदमत करते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और से और हॉस्पिटल्स इनके नाम पे खुले और खिदमत करते जाएं। और डॉक्टर साहब वहाँ सिद्धिपेट में अनाउंस किए थे कि मुझ जैसा हाइट वाला है मिनिस्टर या एमएलए कोई होना चाहिए, तो हरीश राव साहब की तरफ बताकर कह रहे थे कि अच्छे मिनिस्टर हैं, हेल्थी मिनिस्टर हैं, भागते हैं, काम करते हैं, 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का ऑफर भी था कि सिद्धिपेट में मैं फ्री कैंप लगाऊंगा, जल्द से जल्द रमज़ान के बाद, रमज़ान और बकरीद के जो वक्फा बीच में मिलता है, हम ज़रूर ब ज़रूर कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब की टीम को ले आकर सिद्धिपेट में खिदमत करने का मौका देंगे, और हम ज़रूर ब ज़रूर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, पेशेंटों को
जो खिदमत भी हो रही है, काम भी हो रहा है, हेल्थ भी ठीक होती है और कम पैसों में इलाज हो रहा है। लिहाजा मैं सारे सियासी पार्टियों से यानी मजहबों से बिलातर होते हुए वो लोग ये हॉस्पिटल के फैसिलिटीज को डॉक्टर साहब को हिम्मत अफजाई के लिए काम करें। शुक्रिया।